Good morning students, how are you? Fine. Today we will do the exercise 7.2. So we start from here the remaining questions of 7.2. We have done already up to question number 3. So today we will start question number 4. In the question number 4, in triangle ABC, angle A is equal to 30 degree, angle B is equal to 40 degree, and angle C is equal to 110. In another triangle, triangle PQR, angle P is equal to 30 degree, angle Q is equal to 40 degree, and angle R is equal to 110. Now, both the triangles are congruent by AAA congruency criteria. Is he justified the answer or not? अभी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेट है या नहीं है? So ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रेट टू, नॉट नेसेसरी टू बी कॉन्ग्रेट टू ट्रायंगल पी क्यू आर. ये दोनों ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रेट हो, इज नॉट नेसेसरी. हो सकता है कॉन्ग्रेट हो बिकॉज देयर साइड में वेरी. For example, this is triangle ABC. Let us make the exact triangle, angle A of 30 degree, angle B of 40 degree, angle C of 110. So 40 degree, 110. So A, B and C. सिमिलरली एक हम बड़ा ट्रायंगल बना लेते हैं, उसमें भी हमने क्या लिया 110, 30 एंड 40. नाउ देयर साइज आर डिफरेंट और आपको बताया गया है कॉन्ग्रेंसी के लिए दोनों के साइज क्या होते हैं. दोनों इमेजेस के साइज एग्जैक्टली सेम होते हैं, ट्रेसेबल होते हैं, सुपर इम्पोजिबल होते हैं, सुपर पॉजिबल होते हैं. सो दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट. So we can say, so by AAA criteria, triangles are not called congruent. Question number 5. In this question, two figures are given, two triangles are given. The two given triangles are congruent and their corresponding parts are marked. Isme corresponding parts ko mark kiya gaya hai. So we have to explain triangle RAT is congruent to which triangle. Okay. So here from the both the diagrams, both triangle, दोनों ट्रायंगल से आप देखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ओ एंड ए आर इज इक्वल टू ओ डब्ल्यू. एंगल आर इज इक्वल टू एंगल डब्ल्यू. तो एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं. दिस ऑल आर गिवन. सो यू कैन राइट हियर ट्रायंगल आर ए टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर. अब आर की कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है? डब्ल्यू. ए की कॉरेस्पॉन्डेंस ओ और टी की कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है? एन. सो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज की हमने? एंगल साइड
angle. So by the angle side angle property, RAT, triangle RAT is congruent to triangle WON. ठीक है, जैसे हम यहां से मैच करते हैं एंगल ए, जो ए पॉइंट वर्टेक्स है, इस कॉरस्पॉन्डेंस टू पॉइंट ओ. क्लियर. नेक्स्ट एंगल एन और एंगल टी भी इक्वल है, तो इनके जो वर्टेक्स होंगे वो भी एक दूसरे के क्या है, कॉरस्पॉन्डेंस है. नेक्स्ट आर इज कॉरस्पॉन्डेंस टू वर्टेक्स, आर इज कॉरस्पॉन्डेंस टू वर्टेक्स डब्ल्यू. तो आप कोई वर्टेक्स अगर मेजर करते हो तो यहां से इसका आंसर देना इजी हो जाएगा. सो यू हैव टू मेक अ फोकस ऑन द वर्टेक्स आल्सो अलोंग विद द साइड एंड एंगल्स. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट्स. एक दो ट्रायंगल गिवन है, डायग्राम हमारे पास गिवन है. इन दिस डायग्राम वी हैव टू ट्रायंगल्स. इन ट्रायंगल A, B, C and triangle A, B, T. दो ट्रायंगल हो गए, एक तो ए बी सी और दूसरा ए बी टी. इन दोनों ट्रायंगल में गिवन है कि बी टी इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी बी सी इज इक्वल टू व्हाट, बी टी. अब देखिए, मैंने बी सी इधर लिखा, बी टी उधर लिखा, इसमें भी एक रीजन है. बी सी इस ट्रायंगल का पार्ट है, इसलिए BC हमने इसी ट्रायंगल के नीचे लिखा, और BT सेकंड ट्रायंगल का पार्ट है तो हमने बाद में लिखा. सो व्हाट इज द रीजन क्यों इक्वल है, बिकॉज दिस इज गिवन इन द डायग्राम. अनदर वन, AC इज इक्वल टू AT, इट इज आल्सो गिवन, ये भी गिवन है हमारे पास. नेक्स्ट वन, AB इज इक्वल टू AB, दिस इज आल्सो गिवन. अब AB इज इक्वल टू AB की क्यों इक्वल है, बी इक्वल टू ए बी, बिकॉज इट इज कॉमन. ओके, सो बोथ द ट्रायंगल्स आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बाय विच प्रॉपर्टी. अब तीनों साइड्स हैं तो ये तो साइड 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 प्रॉपर्टी बन जाता है, साइड क्राइटेरिया. इसी का नेक्स्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन का एक डायग्राम और गिवन है हमारे पास. इन दिस डायग्राम नाउ सम साइड्स आर आल्सो इक्वल, दिस साइड is equal to this side and these two sides are equal. Now it is given. Now we have to show that whether they are congruent or not, and if they are congruent, by which property they are congruent. So here, part number second, in triangle QRS. In triangle QRS and triangle QPT. Let us check their corresponding vertices first. कौन सा vertex किस vertex के equivalent है? From the both the diagrams we can see, जिसमें वन डैश और थ्री डैश है, उन दोनों डैश वाले में कॉमन देखिए क्या है, यहाँ पे R है और यहाँ वन और थ्री डैश वाले में P कॉमन है. तो R is correspondence to P. जब वन और टू डैश है उनमें कॉमन क्या है, Q है, इनमें कॉमन क्या है, T है. तो यहाँ Q की जगह क्या आ जाएगा, T. तो हमारे स्टेटमेंट क्या बनेगा, T, P और Q. तो QRS और दूसरा ट्रेंगल हम लेंगे TP, Q. इन द बोथ द ट्रेंगल्स now what part are equal, PQ, sorry QRS का है पहला पार्ट. QR is equal to which part, PT, and second one QS is equal to QT,
and the third one is RS is equal to PQ. So both of triangles are congruent. What is the reason for that? कि सभी की सभी given है, all are given. So both of triangle QRS is congruent to triangle TPQ by which property? SSS, side criteria, congruency criteria. Okay. Next question number 7. In a squared sheet, draw the two triangles of equal area such that triangles are congruent and such that triangles are not congruent. So for the first case, when the triangles are congruent, consider a square sheet or a diagonal draw कर दीजिए. Draw a diagonal. अब जो दो triangle बनेंगे ये हमेशा क्या होंगे? Congruent होंगे and तो both the triangles should have equal area A, B, C and D. Triangle A, B, C is congruent to triangle A, D, C and also area of A, B, C is equal to area of A, D, C. Clear है? कॉन्ग्रेंसी की किस प्रॉपर्टी से दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे? साइड एंगल्स प्रॉपर्टी से ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे एंड इनका एरिया क्या होगा? इक्वल, बिकॉज बेस इनटू हाइट दोनों की क्या होगी? इक्वल, 1/2 बेस इनटू हाइट. अब इसका सपोज की बेस ए डी है, हाइट डी सी है, इसमें भी बेस बी सी और हाइट ए बी, तो ये दोनों भी क्या होते हैं? अपोजिट साइड, इक्वल, तो एरिया क्या जाएगा? इक्वल. इन द नेक्स्ट केस फॉर द अनदर सिचुएशन वी कैन कंसीडर, अब आप इसको अलग अलग दो ट्रायंगल भी बना सकते हैं, ए सी और डी. दूसरा ट्रायंगल होगा ए बी और सी. तो सिमिलरली एक ही स्क्वायर शीट में आप एक ट्रायंगल ऐसे बना सकते हो जो इसे कहीं भी टच करे, इसका एरिया और इस ट्रायंगल का भी एरिया क्या रहेगा? हमेशा सेम. इसे हम हटा देते हैं, लेट अस रिमूव इट नाउ, बिकॉज बेस इज बोथ द ट्रायंगल हैव द सेम बेस और दोनों की हाइट भी क्या है? सेम है, तो 1/2 बेस इनटू हाइट प्रॉपर्टी से दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल. सो ए बी और यहां कोई पॉइंट लगा देते पी, ये ए बी और ये पॉइंट हो गया सी. सो हियर बोथ ट्रायंगल A, B, P and triangle A, B, C have same area but they are not congruent because ये तो हमने diagonally cut करके निकाला है. So ये अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया, have the same area but they are not congruent. So we can divide the square sheet into two triangles such that condition one will fulfill and condition two will fulfill. दोनों की दोनों हमारी fulfill हो. Okay. Now come to the question number. Next question number 8. Draw a rough sketch of two triangle such that they have 5 pair of congruent parts but they are not congruent, but these triangles are not congruent, 5 parts are equal. Yes, it can be possible. Look at this diagram. We have a right angle triangle, two right angle triangles, this side is equal to, both have the same base 190 degree, this is 60 degree, this is 30 degree, this is 30 degree, this is 60 degree, angles are swapped and its hypotenuse is equal to its side. Now
they have how many powers equal? All three angles are equal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. One side and two sides are equal along with the hypotenuse and other sides of the other triangle. Because इसकी hypotenuse दूसरे की side से match कर रही है. अगर ये side match कर दी तो hypotenuse equal हो जाता. But now it is different one. So we can say ABC PQR. Let any two triangles. Triangles ABC and PQR such that angle A is equal to angle R, angle C is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, BC is equal to what? QR, and AC is equal to PQ. But जो हमारे पास एक साइड है ए बी, इट इज नॉट इक्वल टू पी आर. इट इज नॉट इक्वल टू पी आर. सो ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर. सो एंस वी कैन से इवन आफ्टर गिवन द फाइव पार्ट्स आर इक्वल, ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यू आर कॉन्ग्रुएंट, नेम द एडिशनल पार्ट्स. इसमें दो पार्ट्स इक्वल है, एक 90 डिग्री एंगल है एंगल बी और एंगल क्यू, और एक एंगल सी और एंगल आर इक्वल है. नेम द एडिशन पार्ट. एक पार्ट और बताइए, एडिशनल पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड व्हाट क्राइटेरिया डिड यू यूज. हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे हमें वो बताएं. सो हियर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी के कॉरस्पॉन्डेंस है क्यू, सी के कॉरस्पॉन्डेंस है आर, तो पी क्यू आर इन द ट्रायंगल पी क्यू आर विच पार्ट्स आर इक्वल. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री ईच. It is given. Angle C is equal to angle R. It is given. And third part should be, क्या होना चाहिए कि दोनों, अगर हम दो एंगल आ रहे हैं तो एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया बनता है, तो दोनों के बीच की जो साइड है वो इक्वल होना चाहिए. तो एंगल बी और सी में साइड बीच में क्या आएगी, बी सी. इन दोनों की साइड का बीच का साइड क्या आएगा, क्यू आर. तो बी सी शुड बी इक्वल टू क्यू आर. इट शुड बी द थर्ड क्राइटेरिया. एंड both the triangles should be congruent by property of side angle side, side angle side criteria. Okay, next question number 10. The two triangles are given ABC and DAF. We have to explain ABC is congruent to triangle FAD. How? Explain. So we have to explain why both the triangles are congruent. Here we can see angle B is equal to angle B. Angle B is equal to angle E, 90 degree each, and angle A is equal to angle F. Now फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड थर्ड एंगल. एंगल सी इज इक्वल टू वन. सी एंगल कितना होगा, 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, और दिस इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए इज इक्वल टू 90, एंगल बी इज इक्वल टू 90, ए माइनस प्लस 90. दोनों प्लस हो जाएंगे, ब्रैकेट ले लिया तो प्लस हो जाएंगे. So 180 minus 90 plus minus angle A, it is equal to 90 minus angle A. And similarly angle D is equal to 180 minus angle E plus angle F.
अब एंगल ई की वैल्यू कितनी है, एंगल ई इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ई इज इक्वल टू व्हाट, इट इज एंगल ई 90 डिग्री प्लस एंगल एफ. नाउ 180 माइनस 90 माइनस एंगल एफ, इट इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल एफ. एंड वी ऑल्सो नो एंगल ए और एफ इक्वल थे, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू. यहां से अगर हम चेक करें सो एंगल सी, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसे बना लीजिए एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ इसे बना लीजिए. फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों इक्वेशन को अगर हम कंपेराइज करें, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल है, 90-90 इक्वल होता है, सो एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल डी. एंगल सी और एंगल डी भी इक्वल होंगे. अब एंगल सी और एंगल डी इक्वल आ गए. नाउ एंगल बी इक्वल था, एंगल सी इक्वल है, और बी सी इनकी जो बीच की साइड है वो भी इक्वल. क्राइटेरिया नंबर फिफ्थ, इक्वेशन नंबर फिफ्थ, आल्सो साइड बी सी इज इक्वल टू साइड डी ई, सो बोथ द साइड्स आर इक्वल. दिस इज पार्ट नंबर सिक्स, इक्वेशन नंबर सिक्स. फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये तो दो तो इक्वेशन ये यूज करनी है और एक फर्स्ट वन है. फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, वी कैन से ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफईडी बाय विच क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया. So this is your exercise 7.2 complete. Solve this complete exercise in your FAIR notebook and send your homework to my WhatsApp account. Okay? Thank you.